नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आप सभी रीट की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पहली बार रीट का एग्जाम देंगे, ठीक है, या फिर कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली बार ही पहली बार रीट का एग्जाम दिया था, उनके अच्छे नंबर नहीं मिले थे। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा क्या है, जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स होती है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कन्फ्यूज करते हैं, वो थोड़ा सा मैं कवर करूंगा। आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करता रहूंगा। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो एक स्कीमा और स्कीम्स में अंतर क्या है, ठीक है। ये दो टर्म आती है, एक जैसे नाम है ये दोनों, लेकिन दोनों क्या अलग अलग होती हैं, ठीक है। स्कीमा और स्कीम्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो बाल विकास में ये क्या संज्ञानात्मक विकास है जीन प्याजे का, उसके अंतर्गत आएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, तो उसमें आप पढ़ लोगे इसके बारे में। अगर पढ़ लिया है तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर कर लेना है आपको कि स्कीमा और स्कीम्स में अंतर होता है, ठीक है। ये संज्ञानात्मक विकास में आएगा आपके, संज्ञानात्मक विकास आप पढ़ोगे या फिर अगर आपने पढ़ लिया तो ये शब्द सुने होंगे आपने, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। हम लेकिन इस वीडियो में सिर्फ कवर करेंगे कि स्कीमा और स्कीम्स में क्या अंतर होते हैं, स्कीमा किसे कहते हैं और स्कीम्स किसे कहते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्या संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में बता देता हूं कि आखिरकार संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो जिस भी परिवेश या वातावरण में बालक रहता है, ठीक है, जिस भी परिवेश या वातावरण में जो बालक रहता है उसमें जो वस्तुएं और व्यक्ति है या फिर जो भी घटनाएं घटित होती है उनके प्रति एक अवधारणा या बोध का विकास होना वो क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। जो भी बालक जिस भी वातावरण में रहता है, ठीक है, जिस भी वातावरण में रहता है उसमें जो जितनी भी वस्तु उपस्थित है, ठीक है, जितने भी व्यक्ति उपस्थित है और जितने भी घटनाएं घटित होती है उसके सामने, उन सब के प्रति उसकी एक अवधारणा हो जाती है। जब बालक छोटा होता है तो वस्तु व्यक्ति और घटनाओं के प्रति जो बालक की अवधारणा, वातावरण में उपस्थित जितनी भी वस्तु व्यक्ति और घटनाएं हैं उनके प्रति एक अवधारणा हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। इसमें हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ स्कीम्स और स्कीमा है उसके बारे में देखेंगे। एक और जो संज्ञानात्मक है या फिर संज्ञान है उसके अंतर्गत जो सारी मानसिक प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती है, सोचना, तर्कणा करना, वर्गीकरण करना, यानी कि वर्गीकरण से मतलब कि ये क्या पशुओं की श्रेणी में, ये मनुष्य, ये चीज है, वो सब हम थोड़ा सा बाद में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो इस वीडियो में करनी है चर्चा वो है स्कीमा और स्कीम्स, ठीक है। तो स्कीमा और स्कीम्स दोनों एक जैसे शब्द हैं लेकिन अलग अलग अर्थ हैं इनके, ठीक है। अब देखो, स्कीमा और स्कीम्स, सबसे पहले बात करेंगे हम स्कीम्स की, ठीक है, स्कीम्स कि स्कीम्स क्या होती है, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमा क्या होता है, ठीक है। स्कीम्स देखो, स्कीम्स क्या होती है, व्यवहार का एक संगठित पैटर्न होती है, ठीक है। आप इतना याद रख सकते हो, मैं जैसे एग्जांपल बताऊंगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोनों में अंतर क्या होता है। जो स्कीम्स होती है इसका मतलब होता है व्यवहार का एक संगठित पैटर्न, ठीक है, व्यवहार का एक संगठित पैटर्न, का एक संगठित पैटर्न, व्यवहार का एक संगठित पैटर्न। अब देखो, व्यवहार का एक संगठित पैटर्न, इससे क्या आशय है, मतलब जो स्कीम्स होती है वो क्या होती है, व्यवहार का एक संगठित पैटर्न होती है, ठीक है। ये अलग अलग संदर्भ में और एक सी परिस्थितियों में समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे आप क्या, एक बालक है छोटा, ठीक है, क्योंकि हम बाल विकास में पढ़ेंगे ये सब, तो व्यवहार का एक संगठित पैटर्न से क्या मतलब है कि कोई भी एक बालक है, ठीक है, कोई भी एक बालक है, कलर चेंज कर लेता हूं, कोई भी एक बालक है, ठीक है, वो बालक क्या है, सुबह उठता है, स्कूल जाता है, ठीक है, बालक क्या करता है, स्कूल जाता है, तो वो क्या है, व्यवहार का एक पैटर्न फॉलो करता है। कैसे पैटर्न फॉलो करता है, कि वो क्या है, सबसे पहले उठेगा, नहाएगा, स्कूल ड्रेस पहनेगा, जूते पहनेगा, बैग उठाएगा, जो उसका एक व्यवहार है, वो डेली रूटीन चलता है उसका, ठीक है। फिर उसको क्या, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक व्यवहार का क्या हो जाएगा, एक संगठित पैटर्न हो जाएगा। जैसे जूता पहनना, नहाना, ठीक है, तैयार होना, जो भी है, सारे क्या है, बहुत सारे व्यवहार है इसके, ठीक है। फिर वो क्या होगा, बैग टांगना, ये सब क्या अलग अलग व्यवहार है, और फिर वो एक संगठित बना लेता है उनको, यानी कि वो एक रूटीन बना लेता है, उसी को क्या कहते हैं, उस संगठित पैटर्न को क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। स्कीमा आएगा आगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। स्कीम्स किसे कहते हैं, व्यवहार का एक संगठित पैटर्न, व्यवहार का संगठित पैटर्न, यानी एक बालक का जो सुबह उठता है, नहाता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूते पहनता है, बैग टांगता है या फिर बैग लेकर वो क्या स्कूल जाता है, वो इसका डेली का रूटीन है। डेली का रूटीन क्या हो गया, एक व्यवहार हो गया उसका, और उन व्यवहारों को वो क्या एक मानकर उनको क्या एक पैटर्न फॉलो करता है, वो डेली उसका वही काम, एक रूटीन फॉलो करता है, इसको क्या कहते हैं,
स्कीम्स कहते हैं। एक बार और बता देता हूँ, स्कीम्स व्यवहार का एक संगठित पैटर्न है। जैसे एक बच्चा सुबह उठता है, नहाता है, फिर स्कूल ड्रेस पहनता है, फिर जूते बांधता है, फिर बैग उठाता है और स्कूल जाता है। ये उसका डेली का पैटर्न है, ठीक है, एक संगठित पैटर्न है उसका व्यवहार का। तो ये तो क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है, ठीक है। उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। अब है जो स्कीमा, ठीक है, स्कीमा ये एक अलग चीज होती है, ठीक है। स्कीमा स्कीम्स से अलग चीज होती है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। स्कीमा, स्कीमा में क्या होता है, उसमें तो क्या है, एक व्यवहार के पैटर्न को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो स्कीम स्कीमा है इसमें एक अलग बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी विषय पर जो एक संगठित ज्ञान होता है उसको क्या, या फिर एक याददाश्त होती है, ठीक है। स्कीमा में क्या होता है, किसी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह जो क्या लंबे समय तक याद रहता है। जैसे इसको आप कह सकते हो किसी वस्तु पर या फिर घटना पर, ठीक है। वस्तु के अंदर सभी आ जाते हैं, घटना भी आ जाती है, व्यक्ति भी आ जाता है, ठीक है। वस्तु का ज्ञान या फिर वस्तु के ज्ञान को, ठीक है, एक मिनट पूरा सही से लिख देते हैं, किसी वस्तु के ज्ञान का संगठित पैटर्न। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, संगठित पैटर्न, ठीक है। स्कीमा क्या होती है, वो क्या होता है, व्यवहार का संगठित, और ये क्या है, ज्ञान का संगठित पैटर्न होता है, ज्ञान का संगठित पैटर्न। और इसका एक बात और, इसका क्या सामान्यकरण किया जा सकता है, सामान्यीकरण किया जा सकता है। सामान्यीकरण करने का मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, टाइम टू टाइम इसमें क्या बदलाव होता रहता है, ये क्या अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। जैसे कोई ऐप होता है मोबाइल में, वो क्या अपडेट होता रहता है, वैसे ही क्या ये भी अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। नए नए वर्जन आते हैं, 1G से 2G 3G 4G 5G, अलग अलग जनरेशन आती है इसकी, यानी कि अपडेट होता रहता है ये ज्ञान, ठीक है। तो स्कीमा एक प्रकार से क्या होता है, किसी वस्तु के ज्ञान का संगठित पैटर्न होता है, और स्कीम्स होती है किसी व्यवहार का संगठित। अब देखो एग्जाम्पल से थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। स्कीमा जैसे माना कि आप बालक हो, बालक क्योंकि बाल विकास में पढ़ोगे आप, तो बड़ों के लिए ये लागू नहीं होता, पहले हो गया होता। अब देखो स्कीमा में क्या होता है कि एक बालक है, ठीक है, एक बालक है, उसने क्या देखा, एक बिल्ली को देखा, ठीक है। पहली बार बिल्ली देखी उसने लाइफ में, छोटा था तब, और उस बिल्ली का रंग कैसा था, भूरा था, ठीक है। तो उसको क्या बताया गया, मान लो कि कोई भी बालक है, उसको उसके घर में किसी ने भी बताया, माँ ने या फिर किसी ने, कि ये क्या बिल्ली है, ठीक है, ये क्या बिल्ली है, इसका रंग भूरा है। उसने खुद देख लिया, चार टांगे होती है, उसने देख लिया एक पूंछ है, और ये क्या बिल्ली है। तो उसके क्या मन में एक जो है ज्ञान, एक क्या है, आप सूचना क्या है, एक संगठित हो गई, ठीक है। सूचना क्या हो गई, एक संगठित हो गई। बालक अब आगे क्या सोचेगा कि बिल्ली होती है, उसके चार टांग होती है, और एक भूरे रंग की होती है, और एक क्या होती है, पूंछ होती है। लेकिन उसको सिर्फ इतना कहा था कि ये क्या है, बिल्ली है। तो बालक ने अपने आप क्या अवधारणा बना ली कि बिल्ली क्या होती है, भूरे रंग की होती है, और चार टांग और एक पूंछ होती है। फिर क्या हुआ, एक दिन उसको क्या एक काली बिल्ली दिखी, ठीक है, उसको एक क्या दिखी, एक मिनट, उसको एक काली बिल्ली दिखी, काली बिल्ली। अब उसने उसको वापस किसी ने बताया कि ये क्या है, बिल्ली है, ठीक है। उसने उसको वापस किसी ने बताया कि ये क्या है, बिल्ली है। तो अब जो ये बालक है, इसने क्या किया, जो अपनी पूर्व अवधारणा थी, ठीक है, पूर्व अवधारणा थी, उसमें क्या कर लिया, अपग्रेड कर लिया उस अवधारणा को, यानी कि सामान्यीकरण कर लिया। और अब उसको क्या है कि बिल्ली के चार टांग और एक पूंछ होती है, और वो भूरे के अलावा काले रंग की भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसने वापस देखी, ये मान लिया कि सफेद बिल्ली देख ली आगे जाकर, तो वो वापस उसको कोई बोलेगा कि ये क्या, बिल्ली है। तो धीरे धीरे वो उसको पता चल जाएगा कि बिल्ली अनेक रंगों की हो सकती है, उसके चार टांग होती है और एक पूंछ होती है। तो इस हिसाब से वो क्या है, सामान्यकरण करता जाता है। तो ये हो गया स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है, एक ज्ञान का संगठित समूह होता है जो क्या बदलता रहता है, यानी कि उसके समय के साथ उसमें क्या बदलाव होते रहते हैं, उसको क्या अपग्रेड करते रहते हैं। और स्कीम्स में एक व्यवहार का पैटर्न होता है कि बच्चा उठता है, जूते पहनता है, स्कूल जाता है, नहाता है, जो भी बैग उठाता है, वो एक क्या है, एक पैटर्न हो गया, ठीक है। वो क्या एक व्यवहार का, और ये क्या ज्ञान का पैटर्न है जो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे ये बिल्ली वाला उदाहरण आप देख सकते हो, क्योंकि ये क्या दो कन्फ्यूजिंग टर्म्स थी, स्कीम्स और स्कीमा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के।